सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। देश में फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने का जिम्मा संभाल चुके अभिनेता सुनील शेट्टी कहते हैं कि इस देश में बड़े बड़े अभियान हुए हैं, लेकिन फिटनेस को लेकर कभी कोई अभियान शुरू नहीं हुआ। भारत में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है और यहाँ हर तीसरा व्यक्ति इसकी चपेट में है। हर कोई फिट रहना चाहता है, लेकिन इससे जुड़े मिथक और गलत धारणाओं की वजह से लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। दिल्ली में 120 दिनों के फिटनेस फेस्टिवल मिशन फिट इंडिया के लॉन्च के मौके से इतर सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया, हमारे देश में फिटनेस को लेकर गलत धारणाएं बहुत हैं। चावल मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, मीठा मत खाओ, दबा कर डाइटिंग करो, जबकि फिट रहने के लिए डाइटिंग की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं फिटनेस का बाजारीकरण कर दिया गया है। फिट रहने के नाम पर लोगों को ठग कर करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। मोटापा कम करने के लिए गलत धारणाएं लोगों के अंदर डाली जा रही है, ताकि लोग भ्रमित होकर फिट रहने के लिए मोटा पैसा खर्च करें, जबकि फिट रहने के लिए एक भी पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पर बैठकर सही एवं संतुलित आहार खाकर फिट रह सकते हैं। सुनील शेट्टी कहते हैं, मेरे दिन की शुरुआत ही चावल के साथ होती है, लेकिन मैं फिट हूँ। आप आलू का पराठा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे कब और कितना खाना है इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। जिस दिन आप ये सीख गए कि दिन में कब और क्या कितनी मात्रा में खाना है, आप फिटनेस के गुरु बन जाएंगे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।